अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, आई वांट टू टेल यू समथिंग। सम स्टूडेंट्स सेंड देयर होमवर्क ऑफ अदर सब्जेक्ट टू मी। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड ओनली मैथ्स वर्क टू मी एंड सेंड योर अदर होमवर्क टू रेलेवेंट टीचर ऑफ योर सब्जेक्ट। एंड द सेकेंड थिंग डैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज डैट काइंडली सेंड पिक्चर ऑफ योर होमवर्क इंस्टेड ऑफ वीडियोज़। I hope you will never repeat these mistakes. Okay, student. Now we will start our today's lecture. Open page number 20. Page number 19 आपके syllabus में include नहीं है. Ordering 4 and 5 digit numbers. हमने 4 and 5 digit number को एक order में एक तरतीब में लिखना है. तो अब हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखें। पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। क्लास, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना क्या होता है? व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नंबर्स को छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लेके जाते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कहते हैं, कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर हैं, 2, 7, 6, 4 एंड 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगी 1, उसके बाद क्या है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद 6 एंड देन 7। अब देखें, ये मैंने इनको एक तरतीब में, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ए पार्ट में देखें, 4829, 4769, 4932 एंड 3199। अब यहाँ पे देखें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3199। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3199, उसके बाद सेकंड वैल्यू हम देखते हैं 3700, इसके बाद देखें 4000। 3 के बाद अब यहाँ पे 3 में और कोई वैल्यू नहीं है, 4000 में है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 4769, 4769। नेक्स्ट उसके बाद 4829, 4829, और लास्ट पे हम लिखेंगे 4932, 4932। ये देखें, मैंने अब वैल्यू को एक तरतीब के साथ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इसी तरतीब से आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। नेक्स्ट बी पार्ट में देखते हैं, 2629, 5090, 4999 एंड 5099। और अब आप यहाँ पे देखें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है 2629। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2629, उसके बाद 4999, उसके बाद 5090, और लास्ट पे हम लिखेंगे 5099। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और नेक्स्ट डे फ्रॉम 8 AM टू 12 PM मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट, और टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।